सबसे बड़ी बीमारी आजकल हो गई है मोटापा। अब इसका पहले पूरा घरेलू उपचार सुन लीजिए। लौकी का जूस, गोमूत्र और अश्वगंधा के पत्ते, तीन तीन सुबह दोपहर शाम खाओ। आजकल ये एक तो पेट छोटा कराने वाली सर्जरी करते हैं, तो बावलो लाखों रुपए क्यों देते हो और उसमें लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है, पेट छोटा कर देते हैं। कौन सी सर्जरी बोलते हैं? बैरियटिक सर्जरी। फिर एक लाइपोसेक्शन होता है, खींचते हैं फैट को। क्यों इन चक्करों में पड़ते हो? सुबह से शाम तक लौकी का जूस खाओ, लौकी की सब्जी खाओ, लौकी का सूप पियो, और थोड़ा बहुत चेंज करना हो तो मूंग का ले लो। आप एक महीने तक लौकी कल्प कर लो और अश्वगंधा के पत्ते खा लो साथ में। एक महीने में आपका 25 से 30 किलो वजन कम हो जाएगा, और 2 महीने में 40-50 किलो वजन कम हो जाएगा। सुन ले मोटी मोटी बहनों, फिर बाबा मिलेंगे कहां? ए मैया, मोटी मैया सुन ले, तेरा आज से सारा खाना बंद। खाली लौकी का जूस पिएगी, लौकी का सूप पिएगी, लौकी की सब्जी खाएगी, और चेंज करना हो तो मूंग छिलके वाली, बस मूंग का सूप या अंकुरित मूंग थोड़ा बहुत ले लिया बस। और बहुत ही ज्यादा किसी ना खाने का ऐसा पागलपन सा, जैसे कहते ना तलब सी उठती है। तो फिर एक अपनी खिचड़ी आती है आश्रम की, चार तरह के अनाजों की, पुष्टाहार दलिया बोलते हैं ना उसमें, मूंग चावल बाजरा, उसके अंदर तिल और वो थोड़ा अजवाइन तो थोड़ा डालते हैं। तो 500 ग्राम गेहूं, 500 ग्राम मूंग, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम बाजरा, चार अनाज होते हैं उसके अंदर, ऐसे ही हम बनाते हैं, ये यही रेशियो होता है। वो खिचड़ी खाली बस एक आधी कटोरी बस। और ये योगाभ्यास जो मैंने बताया उसको करना, एक महीने में आपका 25 से 30 किलो वजन कम, और 2 महीने में आपका पूरा वेट बैलेंस। फिर एक बार कंट्रोल होने के बाद तो फिर लाइन पर आ जाएगी ना गाड़ी, नहीं तो क्या होता है, एक बार यदि कम ही नहीं होता है ना तो बहुत दिक्कत होती है। तो जिनको भी वजन कम करना है ये संकल्प ले लो, ये मैंने मोटापा के लिए बता दिया आपको। मोटे लोग जब खाना कम कर देते हैं तो फैट कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होकर के उनके शरीर को ताकत देने लगता है। आप ये जो हम उपाय बता रहे हैं, इन उपायों के अकॉर्डिंग योग करते हुए आप मोटापा कम करते हैं ना, तो आपको कहीं पर भी, एक तो ये नहीं पड़ेंगे जो धारियां पड़ जाती है ना, ऐसे ऐसे झुर्रियां पड़ जाती हैं, चमड़ी लटक जाती है, ये कुछ नहीं होगा, चमड़ी पूरी टाइट रहेगी। माने सुंदर भी बनोगे, स्वस्थ भी बनोगे, मोटापा भी कम होगा, हड्डियां मजबूत होंगी, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। नहीं तो ये उपवास आदि करके, जैसे आजकल कुछ लड़कियां शादी कराने के चक्कर में कुछ नहीं खाती, चक्कर आकर के गिरती रहती है और वो बीमारी हो जाती है, फिर उनकी फिर बहुत तरह की उनकी शरीर में समस्याएं हो जाती हैं, उनका मसल्स वीक हो जाता। हार्मलेस वेट लॉस होना चाहिए, इसको बोला जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, अनुलोम विलोम करते रहिए।